दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक लघु कथा। लघु कथा का शीर्षक है एक नई परंपरा। इसकी लेखक हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल। जब सरिता छोटी ही थी, उसके माता पिता नहीं रहे। बड़े भाई के संरक्षण में ही वह पली बड़ी थी। भाई बहन दोनों को पेड़ों से बहुत प्यार था। दोनों अपने जन्मदिन, त्योहारों पर पौधे लगाते और देखभाल करते। इन दोनों ने न जाने कितने पेड़ लगाए जो वृक्ष बन गए थे। और उस दिन सरिता पर जैसे कहर टूट पड़ा। उसके परिवार का एकमात्र सदस्य बड़ा भाई भी सड़क हादसे में चल बसा था। गांव वालों की सहायता से वह स्वयं को जैसे तैसे संभाल पाई। अब उसे लगता कि जीने का मकसद ही नहीं रहा हो। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। कितना उल्लास होता था सरिता के मन में हर साल। और अब उसने गहरी सांस ली। सरिता हाथ में राखी लिए बिल्कुल उदास बैठी थी। सोनी पथराई आंखों से कहीं शून्य में देख रही थी। सरिता की सहेली से उसकी उदासी देखी नहीं गई। सहेली रेणु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आत्मीयता की उष्मा पाकर सरिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। रेणु सरिता का हाथ थाम कर उसे वहां ले गई जहां भैया के लगाए वृक्ष थे। सरिता को उनकी शाखों में, पत्तों में, छाया में अपने भैया नजर आने लगे। सरिता को जैसे जीवन जीने का सूत्र ही मिल गया। निश्चय ही वह अपने भाई के काम को आगे बढ़ाएगी। उसने वृक्ष को ही राखी बांध दी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अब उस गांव में सभी लड़कियां वृक्षारोपण भी करती हैं और पेड़ों को रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती हैं। आखिर वृक्ष से बड़ा रक्षा करने वाला तो कोई नहीं इस धरती पर। एक नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी थी।